जो हमारे तीन साथी यहाँ सेवानिवृत्त हुए थे पहले उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है इसको सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ और किसान सभा मज़दूर सभा सीटू की तरफ से वो सारे इनका सम्मान कर रहे हैं इन साथियों का अपनी ज़िंदगी में केवल अपनी मांगों तक सीमित नहीं रहेगी सेवा करते हुए ये पूरे कर्मचारी वर्ग के मजदूर वर्ग के किसान वर्ग के छात्रों के सभी समाज के वर्गों का इन्होंने उनके पक्ष में काम किया है चाहे अब पूरे हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन चला हुआ है ये साथी लगातार अपना घर बार को छोड़ के जो सरकार अब मोदी सरकार वर्तमान में जो किसानों पे पे नहीं अकेला वो पूरी जनता पे हमले कर रही है तो किसान अनाज पैदा करता है उससे पूरे समाज का पेट भरता है और वो पूरे समाज की लड़ाई अब ये साथी लगातार लड़ रहे हैं तो आज इन साथियों की इतने साल की इन्होंने नौकरियां करी है तो उसमें इनका समान समारोह किया गया इसके साथ ही साथियों आज जो सेमिनार रखा गया है शर्म कानूनों के ऊपर बदलाव किया इस सरकार ने ये सरकार वैसे कहने को जनता के सारे वर्गों पे इसने हमला किया है चाहे किसानों के तीन काले कानून लेके आए हैं इसके साथ बिजली के ऊपर ये पावर बिल 2020 लेके आ रहे हैं जनता को बहुत महंगी दरों से बिजली मिलेगी ये इसका भी कानून बना रहे इसी प्रकार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं एक पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के ऊपर जब कोरोना काल चल रहा था तो इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी उस नीति को पास करना ज़रूरी समझा और उसके लिए कोई इन्होंने वो जो कमेटी होती है स्टेयरिंग कमेटी उसके ऊपर नहीं लेके गए इन्होंने सीधा पास कर दिया कोई पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं की पूरे हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चंद पूँजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं ये ये नहीं चाहते भी सार्वजनिक महकमा कोई भी शिक्षा का रहे कोई गरीब बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और हरियाणा में तो उस बात का असर भी होना शुरू किया गया है अभी सरकार ने पिछले साल भी कुछ स्कूल बंद करे थे और इस बार भी एक स्कूलों को बंद कर दिया गया ये कह के भी यहाँ छात्र संख्या कम है जबकि सरकार द्वारा वहाँ टीचरों की भर्ती नहीं की जाती आज भी हरियाणा में चालीस हज़ार पोस्टें खाली पड़ी है पर सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही और प्राइवेट स्कूलों को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश है हरियाणा में एक जो स्कूल बड़े बड़े स्कूल है सांस्कृतिक मॉडल स्कूल उनका नाम कर दिया सरकार ने एक केवल बैनर चेंज किया है उसका सरकारी स्कूल से सांस्कृतिक मॉडल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बना दिया और जो हरियाणा बोर्ड से उनकी एफिलेशन थी वो सरकार ने वो एफिलेशन भी उनसे बंद कर करा के सी बी एस ई से उनकी एफ़िलेशन कर दी और उन स्कूलों के अंदर भी जो मज़दूरों के बच्चे पढ़ते थे उनके लिए उन्होंने अकेला उसमें इंग्लिश मीडियम रखा है और वहाँ छात्रों के ऊपर फीस लगा दी सरकार ने पाँच सौ रुपये एडमिशन फीस के हो गए और बाकी क्लासों के लिए दो सौ रुपये तीन सौ रुपये चार सौ रुपये पाँच सौ रुपये गरीब बच्चे वहाँ पैसा नहीं दे सकते और सरकार इनको धीरे धीरे करके वो पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश है सरकार की तो इसी प्रकार जो श्रम कानूनों में बदलाव किया सरकार ने उनतीस श्रम कानून थे उनको बदल के सरकार ने केवल चार श्रम कानून कर दिए भाई मज़दूरों को जो सुविधाएं मिली हुई थी अपने हकों की जो इतने समय लंबे आंदोलन करके उन्होंने कानून बनाए थे उन कानूनों को भी सरकार ने उनतीस से चार पे लेके आए हैं और इस सारे को सारे ढांचे को हिंदुस्तान के जो पूरी सरकारी ढांचा है उसको इन्होंने तहस नहस करने का बिड़ा उठा रखा है बीजेपी ने और ये जनता जो है लगातार अब जागरूक हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान के किसान मजदूर कर्मचारी इनकी नीतियों को कामयाब नहीं होने देंगे और सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे जनता इनको मुँह तोड़ जवाब देगी